दोस्तों, ये कहानी है एक लड़की की जो ख्याली दुनिया का एक ड्रग बनाती है, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में बहुत कुछ झेलती है। ये फिल्म कई सारे ट्विस्ट से भरी हुई है जो आपको परेशान कर देगी। फिल्म को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की शुरुआत एक आंख से होती है और फिर हमें दो लोग दिखाए जाते हैं, एक लड़की जिसका नाम रेन अमारी और एक लड़का जिसका नाम जारेद अमारी होता है। ये दोनों भाई बहन होते हैं। वो दोनों बीच पर बैठे थे और थोड़ी देर बाद रेन डाइविंग के लिए जाती है और वो अपने भाई से कहती है कि तुम भी चलो। तब वो मना कर देता है। रेन जिद करती है, तब जारेद को जाना पड़ता है। फिर हमें वो दोनों ड्राइव करते हुए दिखते हैं और अब हमें रेन कहीं और ही नजर आती है और उसकी आंखों से काला तरल पदार्थ आ रहा था। उसके सामने सारे ड्रग्स के कैप्सूल्स थे। हमारे सामने टाइमर नजर आता है। दरअसल रेन एक नैनो टेक्नोलॉजी बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसे उसके पिताजी ने आविष्कार किया था। वो एक ऐसा ड्रग बना रहे थे जो अगर किसी की आंखों में डाला जाए तो उसे वर्चुअल दुनिया में भेज दिया जाता है जो उतना ही वास्तविक होता है जितनी असली दुनिया। और इसे बनाने का एक खास कारण था उसका भाई जो डाइविंग करते वक्त एक बड़ी लहर में फंस गया और पत्थर से टकराने के कारण अब वो कोमा में है। रेन के डैड अपने बेटे को तड़पता देखकर बहुत दुखी थे, इसीलिए उसे दर्द से मुक्त करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया। रेन इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानती है कि उसने ना ही डाइविंग के लिए जिद की होती और ना ही वो कोमा में होता। पर रेन हार मानने को तैयार नहीं थी। वो अपने पिता का आविष्कार प्रयोग करके अपने भाई को जिंदा करने का ठान लेती है, लेकिन इसके लिए पैसे और कई सारे साधनों की जरूरत थी। इसीलिए वो एक उद्यमी सैम के साथ हाथ मिलाती है और उसे वो सारी चीजें मिल जाती हैं और वो एक सहकर्मी की मदद से खुद पर परीक्षण करने लगती है, लेकिन इसे दूसरे पर टेस्ट करने के लिए ड्रग अथॉरिटी से अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे प्रोडक्ट में अब भी कोई कमी है और वो उपयोग की अनुमति देने से मना करते हैं। पर रेन के गुप्त तरीके के इस डोज का नाम अदर लाइफ था। अपने भाई पर टेस्ट का उपयोग वो शुरू करती है पर वो काम नहीं कर रहा था। रेन अपने ऊपर टेस्टिंग जारी रखती है। वो एक वर्चुअल दुनिया बनाती है अन्य जीवन के प्रोग्राम का उपयोग करके, रेंडर करके लिक्विड में इंजेक्ट करती है और फिर हम देखते हैं कि तरल को वो अपने ऊपर टेस्ट करती है और अब तक उसने बंजी जंपिंग, ट्रैकिंग, स्कीइंग जैसे एडवेंचर किए हैं जो वो हमेशा से करना चाहती थी। पर इस बार उसका वर्चुअल दुनिया समय पर खत्म होने पर भी फिर से रीसेट हो रहा था और वो जितनी भी कोशिश कर रही है दुनिया से बाहर निकलने की, लेकिन वो निकल ही नहीं पा रही थी और उसके सामने सारी दुनिया गायब हो रही थी और रेन को काफी दर्द भी हो रहा था। फिर उसका सहकर्मी एक आपातकालीन इंजेक्शन का उपयोग करता है और उसे बाहर निकालता है। इसके बाद रेन सैम को कहती है कि हमें ये प्रोजेक्ट रोकना होगा, इसमें बहुत खतरा है, पर सैम उसे मना कर देता है क्योंकि वो इन्वेस्टर से वादा कर चुका था। कंपनी का फंड और समय खत्म हो रहा है। रेन गुप्त रूप से कंपनी के फंड को इस्तेमाल करके अपने भाई के लिए एक वर्चुअल प्रोजेक्ट बनाने में लगी है जो जिंदगी भर के लिए चलेगा, जिसके बारे में सैम को कोई खबर नहीं है। वही रेन का बॉयफ्रेंड जो सहकर्मी भी है उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी थी क्योंकि रेन अपने काम में बहुत व्यस्त थी और उपयोग का समय नहीं दे पाती थी। रेन आखिरकार उस हादसे का समाधान ढूंढती है और सभी फाइलों को अपने हार्ड ड्राइव में कॉपी करके अपने भाई पर टेस्ट करती है और वो बस थोड़ी देर के लिए काम करता है। लेकिन अब सैम को सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है और वो रेन से कहता है कि तुम हमारे प्रोजेक्ट के बजाय कंपनी का फंड और टाइम अपने काम पर लगा रही हो और लॉन्च की तारीख काफी नजदीक है। इसे सुनकर रेन वहाँ से गुस्से में चली जाती है और वो कई दिनों के बाद उसके बॉयफ्रेंड डैनी के साथ कुछ पल बिताती है और भावनाओं में बहकर वो अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। वो डैनी को भी एक खुराक देकर वर्चुअल दुनिया का अनुभव कराती है। उसे ये काफी अच्छा लगता है। पर थोड़ी देर बाद रेन अपने फोन में बिजी हो गई है, तब डैनी उसका एक और डोज ले लेता है और अब ओवरडोज हो चुका है। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। अब रेन बुरी तरह से फंस चुकी थी क्योंकि उसने बिना ड्रग अथॉरिटी के परमिशन से ये टेस्ट किया था, तो अब उसे कई साल तक जेल में ही डाल दिया जाएगा और कंपनी को भी बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा और कंपनी पूरी तरह से डूब जाएगी। और सैम किसी भी कीमत पर कंपनी बचाना चाहता था, इसलिए वो सरकार के साथ एक डील साइन करता है जिससे कंपनी भी बच जाएगी और उनके प्रोडक्ट की टेस्टिंग भी हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई आदमी वर्चुअल दुनिया में जाता है तब उसका समय असली दुनिया के मुकाबले बहुत तेज होता है। उस दुनिया के कई दिन कुछ मिनट्स के बराबर होते हैं। वो रेन को ऐसी दुनिया बनाने के लिए कहते हैं जिसमें कैदी अपनी पूरी सजा काटे और यहाँ कुछ ही मिनटों की बात हो। दरअसल जेलर्स उन पैसों को बचाना चाहते थे जो इन कैदियों के रहन सहन खाने पीने पर बर्बाद हो रहे थे, लेकिन पहला टेस्ट जरूरी था और अब ये लोग रेन की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। वो रेन से कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं कि या तो तुम 15 साल जेल के सलाखों के पीछे बिताओ या अपने ऊपर टेस्ट करवाओ। रेन को ये पता था कि वर्चुअल दुनिया में भी उतना ही टॉर्चर होता है जितना असली दुनिया में। तभी सैम कहते हैं कि डैनी मर चुका है और उसके पास कोई चारा नहीं है। तब रेन मान जाती है और अदर लाइफ का बूंद गिरते ही रहते हैं। वो उस दुनिया में पहुंच जाती है और उसे पूरा 1 साल जेल में बिताना था।
इसके लिए पूरे साल के खाने का इंतजाम किया था और सामने था एक टाइमर जो बताता है कि कितने दिन अभी बाकी हैं। रेन पहले कुछ दिन बिताती लेकिन समय के साथ उसका दिन काटना मुश्किल हो रहा था। उसने अपने आप को शांत रखा और अब उसका समय तेजी से गुजरने लगा और आखिरकार उसने अपनी सजा पूरी कर ली। लेकिन जब वो टाइमर देखती है तो टाइमर फिर से रीसेट हो चुका था और फिर एक बार वही हुआ जो पहले हुआ था। अब रेन के गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो दीवारों पर अपना गुस्सा निकालती है। तब उसे दीवार के पार रास्ता मिलता है और वो वहाँ से बाहर निकलती है। बाहर निकलने पर उसे पता चलता है कि शायद सैम ने उसे किसी असली जेल में कैद कर रखा था। उसे लगता है कि सैम उसकी कंपनी हड़पना चाहता है, इसलिए वो तुरंत सैम को ढूंढने निकलती है। फिर वो वहाँ पहुँचती है जहाँ कभी उसकी कंपनी हुआ करती थी, पर वो जगह खाली थी। तब रेन पुलिस स्टेशन पहुँचती है और उनसे अपनी बात कहती है, लेकिन पुलिस कहती है कि वो छुट्टी बिताने के लिए पेरिस गई थी जहाँ से कभी वो वापस नहीं आई। अब रेन उन पुलिस वालों को वहाँ ले जाती है जहाँ पर सैम ने उसे कैद किया था। फिर देखने में वो जगह कई दिनों से खाली भी लग रही थी। रेन अब अपने पुराने सहकर्मी से मिलती है और उसे पता चलता है कि डैनी अभी जिंदा है। इसका मतलब ये था कि सैम उसे रास्ते से हटाना चाहता था, इसलिए उसने रेन से झूठ कहा कि डैनी मर चुका है। इसके बाद रेन डैनी से मिलती है, जिसको देखने के बाद रेन की खुशी का ठिकाना नहीं था। डैनी ने बताया कि उसके जाने के बाद प्रोडक्ट बहुत हिट था और कुछ ही घंटों में बिक गया था और सैम ने खूब पैसे कमाए, जिस तक अब पहुंचना बहुत मुश्किल है। रेन को लगता है कि सैम के ऑफिस में अब भी उसकी हार्ड ड्राइव मौजूद है जिसमें सारे सोर्स कोड हैं। वो सैम के ऑफिस की तरफ निकल जाती है। ऑफिस पहुंचने पर डैनी और उसके को वर्कर की मदद से वो अंदर जाती है। वहाँ एक काम करने वाला बंदा उन्हें देख लेता है और वो सैम को कॉल करने ही वाला था कि पीछे से डैनी उसे रोक लेता है और अपना हार्ड ड्राइव रिकवर करने के बाद वो सब भाग जाते हैं। वो अपने कोड की गड़बड़ियों को ठीक करके अदर लाइफ का डोज अपने भाई पर आजमाती है और वो काम कर जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। और अब उसके भाई पर उल्टा असर शुरू होने लगता है। अब रेन को पीछे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, पर उसे अपने गर्दन पर कुछ चुभता हुआ महसूस हो रहा था। और यहीं पर क्लाइमेक्स रिवील हो गया कि वो अब तक सिमुलेशन में ही थी और डैनी अभी जिंदा नहीं है और ना ही सैम ने उसे धोखा दिया था। पर रेन ये ठान लेती है कि इस डोज का जब तक पूरा टेस्टिंग नहीं हो जाता तब तक वो इसे लॉन्च नहीं करेगी और वो कंपनी को इस्तीफा देती है और सैम कुछ नहीं कर सकता था। पर दूसरे दिन सैम रेन को कॉल करता है और कहता है कि जिस गड़बड़ी के कारण से वो सिमुलेशन में फंस गई थी उसका हल हमने ढूंढ लिया है और वो अब भी कंपनी को बचा सकता है और इसकी टेस्टिंग के लिए रेन को दोबारा सिमुलेशन में जाना पड़ेगा। लेकिन रेन तैयार नहीं होती। सैम के पास कोई चारा नहीं था और वो जबरदस्ती रेन की आंखों में अदर लाइफ का डोज डाल देता है और उसके सह कार्यकर्ता को रीडिंग लेने को कहता है। अब रेन वापस सिमुलेशन में फंस चुकी थी, लेकिन इस बार वो शांत रहती है। जितना वो अपनी भावनाओं पर काबू पा रही थी उतना ही समय जल्दी बीत रहा था और इसके कारण सिमुलेशन में गड़बड़ हो रही थी और रेन सिमुलेशन से बाहर आ गई। अब वो अदर लाइफ का डोज सैम की आंखों में डाल देती है। सैम जोर जोर से चिल्लाता है और उसके सामने वही एक साल का टाइमर आता है। रेन उसे दिखाना चाहती थी कि सिमुलेशन के अंदर कितना टॉर्चर झेलना पड़ता है और ये आविष्कार कितना खतरनाक है। वो अंत तक आजाद नहीं करती। सैम के साथ भी वही होता है जो रेन के साथ हुआ था। उसके लिए एक एक दिन काटना मुश्किल था, पर वो भी अपने मन को शांत रखता है और समय जल्दी बीतने लगता है। एक साल पूरा करने के बाद टाइमर फिर से रीसेट हो जाता है और सैम को सदमा लगता है। उसके कारण वास्तविक दुनिया में सैम की तबीयत खराब हो रही थी, इसीलिए रेन उसे सिमुलेशन से बाहर निकालती है। अब सैम को सीख मिल चुकी थी। अंत में रेल को अपने भाई को जाने देना पड़ता है और वो उसे कोमा से आजाद कर देती है और ये फिल्म इसी के साथ खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।